एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं दी रेंचर्स। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मैंने अपने लिए एक बड़ा सा टेंट बनाया था अपने रेंच में, और ये वाला जो टेंट है ये अपने पिछले वाले टेंट से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो पिछले वाला टेंट था उसमें सिर्फ एक ही बंदा सो सकता था, यानी कि हम अकेले सो सकते थे। लेकिन ये वाला जो टेंट है इसमें हम चार बंदे सो सकते हैं। फिलहाल तो अभी अपने रेंच में कोई है नहीं, हम अकेले ही हैं, बट अगर आगे कोई आता है बंदा तो हम उसको अपने टेंट में सुला सकते हैं, सोने कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल देखो इस वाली चेस्ट में ना, जो पिछली बार मैंने बनाई थी, इसमें मैंने थोड़ा बहुत सामान रखा है, और मैंने एक ओवन बनाया था पिछली बार ताकि मैं इसमें खाना पका सकूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें खाना पका सकूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं जाता तब तक भाई ये वर्क नहीं करेगा। इसलिए मुझे ना एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन वगैरह करके इसको करना पड़ेगा। और मेरे पास 80 ज़र्कोनाइट पड़े हैं, मैं 100 लेके आया था लेकिन अभी 80 बचे हैं। और अभी देखो जो अपना फार्म है, मैंने वो एक बार फिर से चेंज कर रहा है, कम से कम ना 3-4 बार जो अपना फार्म है ना मैंने उसको चेंज कर दिया है, क्योंकि इस बार मैंने स्प्रिंकलर्स लगाए हैं। और ये वाले प्लॉट खाली कैसे रहेगा भाई? अच्छा मेरे पास सीड्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है मुझे थोड़े से सीड्स लाने पड़ेंगे, लेकिन भाई स्प्रिंकलर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अपना, हमें खुद भाई पानी भर भर के इनको पानी देना नहीं पड़ता प्लांट्स को, भाई ये अपने आप ही जो स्प्रिंकलर्स है वो पानी देते रहते हैं, और हमने पानी का कनेक्शन भी तो ले लिया ना, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है पानी की। और बिना जो मेरे पास ये सिंपल वाले स्केयर करो है ना, मैं फिलहाल इन्हीं को लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि मैं बॉब दी जो स्केयर करो है मैं उसको लगा सकूं। और वैसे भी यार अभी ना थोड़ी बहुत चेंजेस और इसमें करनी है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले मैं चेंजेस करके उसके बाद ही इसको अच्छे से मतलब कवर अप करूँगा फेंस वगैरह से। अभी के लिए तो इतना बहुत है, ठीक है अभी इतना ही छोटा फार्म अपना ठीक है, बाकी इसको तो हम बहुत ही बड़ा कर देंगे। और जो अपने ये जितने भी चीज़ें हैं ना वो सारी रेडी हो चुकी है, देखो जो अपना रेड लेटस है, लेटस ये बोलते हैं शायद इसको, ये रेडी हो चुका है। और मेरे पास ना देखो ये वाली भी आ चुकी है, जॉइंट रेड लेटस वाला, भाई देखो ये जॉइंट वाले भी आ चुके हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये ना काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकेंगे। देखो मेरे पास और भी पड़े हैं, और फिलहाल ये ना थोड़ा चेंज भी है, देखो ये वाला थोड़ा चेंज है और ये वाला थोड़ा सा चेंज है, कलर चेंज है इसका, ये ना थोड़े से हरे भरे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये वाले ना थोड़े से मुरझा चुके हैं, तो मैं इनको ना निकाल ही लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला देखो ये थोड़े हरे भरे हैं ना, एक मैं काम करता हूँ, इसका रेड लेटस ये भी है ये ना, इसको मैं निकालता हूँ, ठीक है, और एक बार इसको देखते हैं। हाँ दोनों डिफरेंट है भाई, दोनों डिफरेंट ही हैं, और ये थोड़े ताज़ा है, ये थोड़े बासी से है। तो अभी मैं काम करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना कि जितने ये जाइंट वाले ना मैं खाली अभी उन्हीं को उखाड़ लूँ, क्योंकि ये वाले भी बड़े होंगे तो ये भी जाइंट हो जाएंगे, तो इनसे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलेगा बेचने पर, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इनको बड़े होने देते हैं, ठीक है जब ये बड़े हो जाएंगे तब जाके इनको बेचेंगे। फिलहाल के लिए जो इधर बड़े हैं ना ये जाइंट वाले इनको मैं निकाल लेता हूँ। यार छोटे वाले क्यों आ रहे हैं ये? नहीं एक सेकेंड यार, ये वाले चलो कोई बात नहीं, निकाल लीजिए कोई बात नहीं। और देखो स्प्रिंकलर्स का यही फ़ायदा है कि टाइम टू टाइम ना इनको पानी मिलता रहा, नहीं तो हम तो कभी कभार भूल भी जाते थे कि हमें अपने प्लांट्स को पानी देना है, और उतने में क्या होता था कि अपने जो प्लांट्स थे ना वो ख़राब हो जाते थे, तो इसलिए अब काफ़ी ज़्यादा सही हो चुके हैं। और वैसे भी अब मैंने ये जो स्प्रिंकलर्स लगाए हैं ना ये बेसिक वाले हैं, तो हमें यहाँ पे लगाने हैं एडवांस वाले, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वो एक ही बार में 36 प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, ये तो 8 को दे पाते हैं ना, वो 36 प्लांट्स को एक ही बार में पानी दे देंगे। और जो अपनी स्ट्रॉबेरी है ना ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। देखो अपना गार्लिक भी रेडी हो चुका है, और एक आध जो गार्लिक है ना वो जाइंट वाले हैं, तो इनको मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है इनको मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। और जो छोटे वाले हैं ना अभी, तो अभी उनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे, जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, जब जाइंट हो जाएंगे वो, तब हम उनको भी हार्वेस्ट कर लेंगे। फिलहाल तो इतने बहुत है अपने लिए। और अब एक काम करते हैं, अब अपनी साइकिल उठाते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले इसको रेंट पे लेके आया था, और अभी ना भाई 2-3 दिन से ना लगातार बारिश हो रही है अपने रेंच में, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो आसपास का वातावरण है ना काफ़ी ज़्यादा मस्त हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुका है, बिल्कुल हरा भरा हो चुका है। और अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं, सबसे पहले हम जाएंगे किसके पास में, वैसे हमें 3 बंदों के पास जाना है, ठीक है हमें जाना है एक यूसुफ के पास में, लीना के पास में और टीना के पास में, इन तीनों से हमें काम है। तो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ ना हम चलते हैं यहाँ से सीधा, मुझे एक बार्न हाउस भी बनाना है ना, तो बार्न हाउस बनाने के लिए ना मुझे जाना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा मुझे, आई थिंक टीना के, यार एक तो ना पता नहीं नाम मुझे याद हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं कौन कौन क्या क्या बनाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ना ये कारपेंटर है, तो पहले मैं इसके पास आता हूँ, ठीक है इसके पास चलते हैं, इसके पास ना थोड़ा बहुत सामान मुझे ख़रीदना है, क्योंकि अपने रेंच में ना भाई इतने पेड़ बचे नहीं हैं, ना इतने पेड़ हैं ना इतने पत्थर हैं, सारे हमने काट लिए हैं, सारे हमने तोड़ लिए हैं, तो इसलिए अब मुझे जो रिसोर्सेज है वो ख़रीदने पड़ेंगे। तो एक काम करते ना, जो वुड लॉग है ना मैं थोड़ी सी बाय कर लेता हूँ, 50 ले लेते हैं हम,
ठीक है, वैसे भी 13 कॉइन्स की एक मिल रही है, और जो स्टोन्स है ना, मैं एक काम करें, स्टोन्स कम भी नहीं यार, स्टोन भी 50 ले लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएंगे। 30, 40, 45, 46, 47, 48, 50, ठीक है, ये 50 हो चुके हैं। ज़र्कोनाइट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और फायर एक्सटिंग्विशर ले लूँ या फिर रहने देते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत है नहीं। और वैसे भी अपना बैकपैक पूरा फुल हो गया भाई, ये कैसे इतना सामान क्या आ गया अपने बैग में, एक बार मुझे देखना पड़ेगा भाई। अच्छा भाई साहब, ये सामान मैंने काफ़ी सारा ले रखा है, खाने पीने का भी सामान काफ़ी सारा पड़ा है, इन सबको ना मुझे अपनी चेस्ट में रख देना चाहिए था। चलो कोई नहीं, जब जाएंगे तब हम रख देंगे। और एक चीज़ मैं आपको पहले बताऊं, अब देखो क्या हुआ कि ना, मैं ना कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था, ठीक है, ऐसे मैं गुजर रहा था, तो यहाँ पे ना मुझे ये स्ट्रॉबेरीज दिखी, और मुझे काफ़ी भूख भी लगी थी, मेरे पास कुछ खाने को था नहीं, तो मैंने सोचा भाई इनको तो मैं तोड़ सकता हूँ, तो मैंने इनको तोड़ा और खाया। तो मुझे लगा कि भाई चलो, ये जो बंदे है ना, जो स्टीव है, ये अपना ही दोस्त है भाई, ये हमें कोई पैसे पूसे नहीं मांगेगा, और इसने मांगे नहीं, हमने आराम से खाया पिया, अपने घर गए। अब जब रात को मैं सोया ना, तो 4000 पता नहीं 2000 कुछ कॉइंस हमारे कट गए, एक के, ठीक है, एक के कटे, और मैंने दो खाए थे, तो पता नहीं 8000 कटे, या फिर कटे तो इतने ही है भाई, 6 नहीं तो 8000 तो अपने कॉइंस कटे ही हैं, इतने कॉइंस का भाई अपने को नुकसान हो गया बिना फालतू में। मुझे तो लग रहा था भाई वो अपना दोस्त बन चुका है, लेकिन नहीं भाई, हमें फ़ाइन लगता है, और तगड़े वाला फ़ाइन लगता है, तो इसलिए अब ध्यान रखना भाई, चोरी करके ना किसी के खेत से खाना खुना नहीं खाना हमने। और अभी मैं आ चुका हूँ यूसुफ के पास में, क्योंकि अभी इसको ना थोड़ा सा सामान मुझे बेचना है, जो अपने पास गार्लिक वगैरह पड़ा है ना, तो ये सारा मैं इसको बेच दूंगा। और मुझे अभी बर्ड मरने की आवाज़ आई भाई, इधर ना कोई बर्ड मरा है, एक काम करता हूँ, मैंने पहले उसको ढूंढता हूँ भाई, उससे ना मीट मिलेगा तो उसको हम खा सकते हैं। आई थिंक वो मरा सामने यहाँ पे, नहीं वो नहीं है, मुझे तो लगा यहीं पे मर रखा है, मुझे लग रहा है ना भाई वो ना कार से टकरा टुकरू ना इधर उधर साइड में गिर गया होगा। चलो छोड़ो, उसको रहने दो, एक सेकंड, एक और मरा भी, वो देखो सामने मरा भाई, बिल्कुल अपने जस्ट सामने मरा, उसकी आत्मा भी निकल के चलेगी। अच्छा बैकपैक फुल हो चुका है, ठीक है, पहले मैं सामान जाके बेचता हूँ उसको, ठीक है, उसके बाद वो सारा सामान हम उठाएंगे और फिर चलेंगे यहाँ से हम टीना, पता नहीं लीना, जिसके मर्जी के पास में, ठीक है, उससे जाके ना हम जो बान हाउस है अपना वो बनवा लेंगे। फिलहाल जितनी भी चीज़ें मेरे पास पड़ी है ये मैं सारी बेचता हूँ, ये सारी नहीं, वो जो अपने पास सिर्फ जो वेजिस वगैरह थी वो सारी, बाकी अपने पास जितना भी सामान है सारा काम का सामान है, ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टाटा, बाय बाय। खाना खुना खरीदने की इससे ज़रूरत तो है नहीं वैसे भी अभी, और अभी एक काम करा जाए, सबसे पहले मैं इस मीट को उठा लेता हूँ, ठीक है, और अब एक काम करते हैं, अब अपनी साइकिल यहाँ से उठाते हैं, और अब सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ से उसके लीना के पास में, और मुझे ना पहले देखना पड़ेगा भाई कि पैसों का बंदोबस्त हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि 240,000 का सिर्फ और सिर्फ वो बानाउस हम बनवाएंगे, ठीक है, और फिर अपने पास कितने बचेंगे, 24,627 डॉलर बचेंगे। अब $24,627 में मुझे एनिमल्स भी बाय करने हैं, ठीक है, काफ़ी सारा सामान और भी बाय करना है, तो भाई उसका ना थोड़ा सा दिक्कत होएगी। तो सबसे पहले काम करता हूँ, मैं ना नीना की शॉप पे आ चुका हूँ, और अभी ना इससे काम करते हैं, इससे एक बार हाउस हम बनवा लेते हैं। एक मिनट, मैं गलत जगह पे आ गया भाई, 48,000 की काऊ थी भाई साहब, ये तो गलत है यार, तो कुछ ज़्यादा महंगी काऊ है भाई, 1200 का रोस्टर है, चलो रोस्टर तो ठीक है, मुर्गियाँ मार्गियाँ सब सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन काऊ का तो बहुत पंगा हो जाएगा यार, 48,000 तो अपने पास बचेंगे भी नहीं। अभी ना मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे भाई पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा अभी, चलो मैं एक मिनट यार, ठोकर लगी गई अपनी, इसकी हेल्थ कम ही होगी। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी एक काम करते हैं, हम बान हाउस ना बनवा ही लेते हैं, ठीक है, बान हाउस बनवा लेते हैं, उसमें ना अभी के लिए सिर्फ हम जो रूस्टर है और जो हैंस है, चिकन्स है, ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं को रखते हैं, और जब धीरे धीरे करके अपने पास पैसा हो जाएगा ना, तब हम काऊ को ले आ लेंगे, बुल को ले आएंगे, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी एक काम करता हूँ, जो लीना है, ठीक है, मैं इससे ना फटाफट से एक जो पान हाउस है, ठीक है, मैं उसको बिल्ड करवाता हूँ, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे, ये तो सोलर पैनल है, विंड मिल वगैरह भी मुझे भाई बनवाने पड़ेंगे, ठीक है, वो जो नीचे ग्राउंड वाटर है ना उसको निकालता रहेगा, तो वो मुझे बनाना पड़ेगा, वो कहें बान हाउस। अच्छा ये रहा बिग बान, $240,000 का भाई सब, चलो कोई बात नहीं, एक मैंने इसको बनवा ही लिया है, और अपने पास सिर्फ बचे हैं $24,627, ओके, और इसी में अभी हमें जितना भी अपना काम है वो सारा निपटाना पड़ेगा। मुझे काफ़ी सारे सीड्स खरीदने हैं, और हमें मुर्गियां खरीदनी है, रोस्टर खरीदने हैं, मुर्गियां ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, 2-3 से ज़्यादा हम खरीदने नहीं वाले, रोस्टर सिर्फ हम एक ही खरीदेंगे, बस सीड्स मुझे काफ़ी सारे चाहिए, और सीड्स की कोई दिक्कत नहीं है, सीड्स तो चलो हमें सस्ते मिल ही जाते हैं, बस दिक्कत ये है कि मुझे
ये वाला टास्क कंप्लीट करने में ना, हेयर एंड केयर वाला, इसमें अब थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद काउस मुझे लेके आनी पड़ेगी। चलो तब तक बात की बाद में हम देखेंगे, सबसे पहले काम करते हैं, फटाफट चलते हैं अपने रेंच और वहाँ पे चल के जो हमने ग्रीन बान हाउस बनवाया है ना, ठीक है, उसको हम अपने रेंच में बनवाते हैं। ठीक है, ये फटाफट चलते हैं और हम अपने रेंच पहुँच भी चुके हैं। ओके, मुझे ना भाई अब फटाफट से फार्मिंग वगैरह करके जो अपने ये प्लांट जितने भी अपनी वेजिस होएगी ना वो सारी बेचनी पड़ेगी, तो मैं अपना जो ये है ना फार्मिंग वो बढ़ा भी दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो अपना मुझे देखना है कि अपना जो बान हाउस है मैं वो कहाँ पर बनाऊँ। यहाँ थोड़ी सी जगह पड़ी तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना अपने बान हाउस को यहाँ तो नहीं, एक काम करें इस साइड में बना सकता हूँ। ठीक है, अपना टेंट ना वहाँ से हटा के मैं क्या सोच रहा हूँ यहीं पे बनाता हूँ। ठीक है, अपना टेंट और जो अपनी वर्कशॉप है ना उसको हटा देते हैं, अगर चेस्ट को हटाना पड़ा तो उसको भी हटा देंगे, उसको हम साइड में रख देंगे और अपना जो बान हाउस है ना उसको बना देंगे वहाँ पर। या फिर देखो यहाँ पर जगह आ तो रही है, बट मुझे यहीं पर ठीक लग रहा है यार ये। चलो अभी के लिए काम करता हूँ मैं, जो अपना ये टेंट है ना, ठीक है, इसको यहाँ से सबसे पहले मैं रिमूव करता हूँ, एक सेकंड, इसको डिमोलिश करते हैं। ठीक है, जो अपनी ये वर्क बेंच है इसको भी करते हैं डिमोलिश। ओके, और सोलर पैनल्स नहीं, इनको करने की ज़रूरत है नहीं, इतना पीछे तो हमने बनाने नहीं है। चेस्ट को अभी रहने देता हूँ, अभी एक बार मैं ना लगा के देखता हूँ कि बान हाउस कितना बड़ा बनेगा। तो बैग में कहाँ गया अपना, ये रहा बिग बान। ठीक है भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसको हम ना ऐसे कहाँ गया, इसका मेन डोर कहाँ पर है, इसका फ्रंट साइड इस साइड नहीं है, ये रहा फ्रंट साइड। ठीक है, इसको इधर रखना ना हमने, तो देखो इधर आ तो जा रहा है ये, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ उसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा ये, और सामने स्टोन आएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं उसको तोड़ दूँगा, बट नहीं यार नहीं आ पाएगा, यहाँ नहीं आ पाएगा ये, काफ़ी नहीं, वहाँ पे अपना स्केयर क्रो भी है ना तो आ नहीं पाएगा। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं वहीं पे लगाता हूँ भाई, जब हम दूसरा प्लॉट खरीदेंगे ना अपने लिए तो मैं बान हाउस वगैरह सारे वहाँ पे दूसरे प्लॉट में हम रखेंगे। फिलहाल तो मैं इसको ना यहीं पर रख देता हूँ, यहाँ पे ठीक लग रहा है वैसे भी, थोड़ा सा और पीछे करके थोड़ा सा साइड में, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, तो इसको मैं यहीं पर करता हूँ। ठीक है, और अब इस पर मारने हमने हथौड़े, और उसके बाद जो अपना बान हाउस है, ठीक है, फाइनली वो रेडी हो जाएगा। अब अपने रेंच में एक बान हाउस भी आ जाएगा, वो नहीं कहे अभी, तो चार हथौड़े और पड़ने हैं, 2, 3 और 4, लेट्स गो। अपना जो बान हाउस है वो बन के रेडी हो चुका है, एक सेकंड एक बार इसको देख लिया जाए। ठीक है भाई, काफ़ी मस्त लग रहा है यार, देखो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। और ना एक काम मुझे अभी और करना है, ठीक है, इसमें ना एक काम और करना है, फिलहाल वो तो करेंगे आके। अच्छा, पीछे भी एक गेट है, ठीक है, सबसे पहले ना मुझे जाके अपनी जो मुर्गियाँ उनको लेके आना पड़ेगा। इसके अंदर मैं जा सकता हूँ ना, हाँ एंटर कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं, अंदर का भी लुक देखते हैं भाई। ओह नाइस भाई, अंदर से भी काफ़ी बढ़िया है, देखो यहाँ पे ये क्या है। अच्छा ठीक है, पानी के लिए, और ये बैरल रखी है, इसमें कुछ नहीं डाल सकता मैं, और ये खाने के लिए, ठीक है, इसमें जो अपना हेबल्स है ना वो आएगा, तो ये मुझे रखना पड़ेगा इसमें ला के। चलो हेबल्स तो मेरे पास पड़ी है, पानी वगैरह भी हम सब भर ही देंगे, बट सबसे पहले जाके मुझे जो अपनी चिकन्स है, जो अपना रूस्टर है, पहले उनको ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, फिर उनको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। तो एक काम करा जाए, सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड फ़ोन को रखते हैं, लेकिन अपना जो टेंट है ना पहले मैं उसको यहाँ पे लगाता हूँ, पहले सो जाते हैं भाई, रात हो रही है। ठीक है, पहले मैं अपना जो टेंट है ना उसको यहाँ पे, एक सेकंड फ़ोन बंद करो भाई, इसको मैं टेंट को यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे लगा के पहले मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आज रात सोते हैं और कल सुबह उठ के, ठीक है, कल सुबह उठ के हम चलेंगे। फटाफट से अपने हथौड़े को रखते हैं, एक सेकंड, पहले मैं ना एक काम करता हूँ, वर्क बेंच में ना यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ, इसको ना यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, अपना वर्क बेंच भी हो चुका है रेडी, और अब एक काम करते हैं फटाफट से सो जाते हैं। कल का मौसम मैंने देखा नहीं, कल का मौसम कैसा रहे, बारिश ही हो रही है भाई, लेकिन ये लाइट रहे ना। चलो कोई बात नहीं, और अपने सीड्स गायब हो गए भाई, सारे के सारे सीड्स गायब हो गए भाई, ये तो दिक्कत होगी यार। बताओ, अपना जो गार्लिक वगैरह था जो मैंने भाई उखाड़ा नहीं था, वो भी सारा गायब हो गया यार, मैंने ना लेट करते लग रहा है, मुझे उनको ना उखाड़ लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, अभी चलते हैं अपने जो एनिमल्स हैं ना पहले उनको लेके आते हैं। पहले एक काम करते हो, आगे से ना मैं एक साइकिल रेंट पे लेता हूँ। तो साइकिल लेके मैं पहुँच चुका हूँ नीना की शॉप पे, और अभी इसकी शॉप ओपन नहीं है भाई, आज आज तो वेडनेसडे है भाई, वेडनेसडे को तो शॉप ओपन होती है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, बारिश है, इसका मतलब आई नहीं क्या। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, और अभी अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम बचा है हमको, ज़्यादा भाई हम टाइम से पहले ही आ चुके हैं, वो 8 बजे आएगी, और अभी तो 8 बजने में थोड़ा सा टाइम बचा है, इसलिए अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसका घर यही है ना,
मैं अंदर जाके ले बुला के लाऊंगा उसको, एक सेकंड अंदर नहीं यार से घर में घुस नहीं सकता क्योंकि इस वर्जन में ना अल्फा वर्जन में अवेलेबल नहीं है। चलो कोई चक्कर नहीं आएगी भाई, ये देखो आ गई उधर कहाँ। अच्छा ठीक है, यहाँ से घूम ऐसे नहीं आ सकती थी क्या, घूम गया ना था पूरा भाई। चलो कोई नहीं, अभी इससे फटाफट से हम जो जो खरीद सकते हैं उसको खरीदते हैं, बाकी चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है इसके पास में। इसका अब ये काम करते हैं, ये है 840 का है, ठीक है एक चिकन ना 840 का है और रोस्टर है 1200 का। मैं एक ना सब में से खरीद लेता हूँ, ठीक है एक वाइट चिकन हो जाएगा अपने पास, एक ब्लैक हो गया और एक ब्राउन भी ले ही लेता हूँ। चलो कोई चक्कर नहीं, तीन चिकन हो जाएंगे अपने पास में, एक रोस्टर हो जाएगा। बाकी ये तो यार भाई इनके प्राइस तो आसमान छू रहे, 1,08,000 की भाई साहब, ये कैसी का हुआ है भाई, क्या करती है। एक सेकंड, ये क्या है देयर, ये 24,000 यार, मेरे पास तो 20 है। ठीक है इससे ग्रेट मीट क्वालिटी, अच्छा ये हमें दूध नहीं देगी, ये मीट देगी भाई, दूध कौन देगा भाई, ये तो बुल है। ये कितने का, ये 48,000 भाई, ये 24,000 का वो है। ठीक है ये क्या है, मीट एंड डेयरी प्रोडक्शन, ठीक है ये हमें दूध देगी और मीट भी देगी, ये भी 24 की है। और देखो ये वाली भी है, ये है 86,400 की, और इसका जो मिल्क फैट है ना वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुआ इसका मिल्क। लेकिन यार ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे यार, $4,000 मेरे पास और कॉइंस और होते ना तो मैं एक काऊ अपने साथ लेके चलता जो हमें दूध देती है। लेकिन देखो यार अब तो मैं एक भी नहीं खरीद सकता भाई, एक भी काऊ नहीं खरीद सकता यार, वो दिक्कत होगी ना, वो मेरे $6,000-8,000 चले गए ना भाई, वो क्या कहते हैं पेनल्टी लगी उनकी। नहीं तो अभी मैं ना एक भाई काऊ तो आराम से खरीद सकता था, बट चलो कोई बात नहीं खरीदेंगे भाई, बाद में आऊँगा मैं तेरे पास तेरे से लेके जाऊँगा मैं, फिलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ ये मुर्गियाँ वगैरह लेके। तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा मुझे अभी ना, एक सेकंड यार मेरे पास तो कोई व्हीकल भी नहीं है भाई, मेरे पास तो ठोकना नहीं भाई, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है जिसमें मैं जो अपनी मुर्गियाँ जो अपनी रूस्टर है उनको लेके जाऊँ, और अभी मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं एक व्हीकल खरीदूँ। एक काम करते हैं अभी मैं चलता हूँ सबसे पहले यूसुफ के पास में, ठीक है यूसुफ के पास में चलते हैं। ये आज आया ही नहीं है भाई साहब, आज इसकी शॉप बंद है भाई, वेडनेसडे को इसकी शॉप बंद होती है क्या भाई, इनका भी अलग ही है भाई, कभी किसी की शॉप बंद होगी कभी किसी की शॉप बंद होगी। चलो कोई बात नहीं, अब कल उसकी शॉप ओपन होगी तब कल उससे जो सामान है ना जो सीड्स मुझे खरीदने थे तो कल हम खरीदेंगे। फिलहाल तो अभी अपने जो एनिमल्स हैं ना उनको लेके चलते हैं, कहाँ है डिलीवरी का, ये रहा ठीक है ये रहा डिलीवरी का, तो यहीं पे अपने चिकन्स होंगे, कहाँ है अपने चिकन्स, ये रहा ठीक है देखो ये रही अपने एक चिकन, तो इसको मैं उठा लेता हूँ, इसको ऐसे लेके जाना पड़ेगा, इसको मैं बैग में नहीं डाल सकता क्या अपने, देखो नहीं भाई मैं बैग में नहीं डाल सकता इसको, एक काम करते इसको उठा लेता हूँ मैं ऐसे, नहीं नहीं डाल सकते बैग में, इसका मतलब भाई मुझे इनको हाथ में लेके जाना पड़ेगा ऐसे पूरे रास्ते, साइकिल पे बिठा के ले जा सकता हूँ, नहीं भाई वो उधर क्यों भाग रही है, तू मेरी है। हाँ अब इसको लेके चलते हैं यार, इसको पैदल ले जाना पड़ेगा, अब मुझे तीन चार क्या भाई 8-10 बार आना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, एक एक करके जो अपने ये मुर्गी हैं जो अपना रूस्टर है ठीक है इनको लेके चलते हैं, बाना उसमें छोड़ते हैं, और इन यार इनका खाना पानी तो भरना था ना। चलो कोई नहीं, इसको लेके जाएंगे ना तो वहीं पे मैं जो खाना पानी है ना वो भर दूंगा, फिलहाल तो फटाफट अभी इसको लेके चलते हैं। बारिश भाई हल्की हल्की हो रही है, बट अपनी मुर्गी गीली हो जाएगी ना तो बीमार हो सकती है, हाँ बीमार भी हो सकती है, इसलिए इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी अभी चलते हैं, अभी सीधा अपने रेंच में ऑलमोस्ट हम पहुँच ही चुके हैं। फटाफट से इसको चल के मैं इसके बाना उसमें डाल देता हूँ, ठीक है ये क्या ऑप्शन आ रहा है भाई। और हाँ मुझे वो जो एक काम करना था ना, वो साइड में मुझे फेंस लगानी पड़ेगी भाई, साइड में ना फेंस लगानी पड़ेगी ताकि जो अपने एनिमल्स है ना वो बाना उससे निकल के भाई कहीं इधर उधर ना भाग जाएं, तो इनको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। वैसे अगर मैं इनमें GPS ट्रैकर लगा दूँ ना तो मैं इनको ट्रैक कर सकता हूँ, बट यार इतना पैसा कौन लगाएगा, अभी बाद में लगाएंगे, अभी के लिए तो मैं सिर्फ इनके लिए खाना पानी इसमें रख देता हूँ जो अपने पास हे पड़ी है, हे तो मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी है, तो ना मैं एक में भर देता हूँ, एक बहुत है भाई, ये कितना खा लेगी। और अभी ना इसका एक सेकंड, इसके लिए मुझे पानी भी लाना पड़ेगा ना, पानी कैसे लेके आऊँ मैं, उसमें क्या कहते हैं वाटरिंग कैन में मैं डाल के ला सकता हूँ क्या, भर जाएगा वैसे शायद से, एक काम करते हैं ये बाहर निकल गया, एक मिनट ये देखो मैं कह रहा था ना भाई ये बाहर निकल जाएंगे यार, मुझे फेंस की बाउंड्री ना लगानी पड़ेगी फटाफट से, एक सेकंड इसको लेके ना फटाफट अंदर चलता हूँ, अंदर रह ले बीमार हो जाएगी बारिश में, इसको पहले मैं जाकर ना फटाफट से अंदर होता कोने में जाकर रख देता हूँ, यहाँ पे बाहर नहीं ना तूने, यहीं पर आराम से खा दे, खाना रखा तो है मैंने, आराम से खा उधर, कहाँ उधर कोने में भग जा, बाहर नहीं निकलना, ठीक है बाहर निकलेगी ना फिर दिक्कत होगी, वैसे भी भाई घास इतनी बड़ी बड़ी है ना और ये मुर्गी इतनी छोटी छोटी है, नज़र भी नहीं आएगी कहाँ भाग जाएगी।
अभी एक काम करते हैं, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले ना ये जो फेंस है ना पहले मैं लगा ही देता हूँ, तो क्या पता मैं पानी भरने जाऊँ इतने में पता नहीं कहाँ गायब हो जाए, इसलिए भी फटाफट से जो फेंस का काम है मैं उसको फिर से बाहर निकल गई। देखो मैं कह रहा हूँ ना घास बहुत बढ़िया दिखेगी नहीं अच्छे से यार, ये दिक्कत देगी भाई ये। चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने फटाफट से वाला काम पहले कंप्लीट करते। फेंस लग क्यों नहीं रही बिल्कुल उसके साथ में? देखो बिल्कुल उसके साथ में नहीं लग रही बाहर ना उसके, ऐसे तो भाई साइड में से निकल जाएगी। देखो ऐसे लगा के देखता हूँ, रुको एक मिनट, यहाँ पे एक ऐसे करके ना, और अब रोटेट करके लग जाएगी क्या? नहीं नहीं लगेगी, ऐसे कहाँ लगेगी ये? देखो ऐसे रोटेट होकर लगेगी नहीं इतनी कम जगह में। एक काम करना पड़ेगा मुझे अंदर से, नहीं भाई लगेगी नहीं है, जगह काफ़ी कम है। एक काम करता हूँ मैंने इसको तोड़ देता हूँ, इस वाले को तोड़ के यहाँ से निकालते हैं, ठीक है इसको करते हैं डिमोलिश करना है, इसको डिमोलिश करते हैं ठीक है। और इसकी जगह ना सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा रोटेट करके पहले मैं लगा दूँगा इसके ना साइड में लग रहा था, कैसे लग रहा था, ऐसे ऐसे करके, हाँ ऐसे लग रहा था ना, ऐसे में लगा देता हूँ कोई चक्कर नहीं, ठीक है कवर तो हो जाएगा ना कम से कम, भाई निकलेगी तो नहीं ना मुर्गी अपनी, ठीक है ऐसे करके। और अब तो साइड साइड में आराम से लग जाएगा, हाँ अब ऐसे करके लग जाना चाहिए यार, ऐसा ना करो। चलो कोई नहीं, रोटेट करके एक वहाँ लगा देंगे, वहाँ तो अब जगह पड़ी है ना, तो वहाँ पे अब लग जाएगा। ऐसे करके इसको रोटेट, अच्छा ठीक है लग तो गया, लग तो गया ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ बिल्ड, ठीक है इधर का हो चुका है, और अब तो बस मुझे अब सीधा सीधा इनको लगाना है और आगे से कर देना जॉइंट। तो फटाफट से मैं ये वाला काम कंप्लीट करता हूँ, पता नहीं मुर्गी कहाँ भाग गई होगी। तो बस यहाँ पे एक लास्ट फेंस लगानी है, उसके बाद ये पूरा जॉइंट हो जाएगा। चलो भाई यहाँ पे भी फेंस लग चुकी है और ये अब अच्छे तरह से पूरा एक बाउंड्री बन चुकी है, और अब अपने जो एनिमल्स हैं वो बाहर निकल नहीं पाएंगे, लेकिन वो जो मुर्गी है ना भाई वो निकल जा चुकी है मुझे लग रहा है, बान हाउस में तो नहीं आ गई वो, क्योंकि जब मैं काम कर रहा था तो वो बाहर ही थी, अब पता नहीं वो अंदर ही है, अंदर तो है नहीं, अब पता नहीं कहाँ बाहर भाग गई, बस ज़्यादा दूर ना भाग गई हो। एक काम करते हैं यहीं पे मैं उसको ढूंढता हूँ, मैं ज़्यादा दूर, एक सेकंड उसकी आवाज़ आ रही है भाई, उसकी आवाज़ आ रही है यहीं पे, इसका मतलब वो आसपास है कहीं पे, लेकिन है कहाँ पे? एक तो घास इतनी ज़्यादा बड़ी है ना, और वो मुर्गी इतनी ज़्यादा छोटी है कि भाई नज़र भी नहीं आ रही अच्छे से उसकी, मुझे आवाज़ आ रही है यहाँ आसपास से, लेकिन देखो दिख तो रही नहीं है वो, तो मौसम भी ऐसा हो रखा है ना बारिश वाला कि अच्छे से कुछ नज़र भी नहीं आएगा, और उस मुर्गे का कलर भी वैसा सही है यार। एक मिनट मैं एक बार अंदर वापस से चेक करता हूँ कि अंदर इधर उधर कोने में तो नहीं बैठ रखी वो, मैं देख लेता हूँ कोने कोने में भी देख लेते हैं, क्या पता उधर ही कहीं बैठ रखी हो, लेकिन नहीं यार अंदर से भी उसकी आवाज़ नहीं आ रही, वो बाहर ही है, वो बाहर ना आसपास ही है कहीं, बाहर ना उसके आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज़ तो आई थी ना मुझे अभी, बट फिर कहीं गई कहाँ वो, यहीं पे होनी चाहिए यार, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब होगी। नहीं इतने जूम करूँगा फिर तो भाई कुछ नहीं देखेगा, एक सेकंड रुको, वो देखो भाई ये पता नहीं कहाँ से घूम के आ रही है, मैं आसपास ढूंढ रहा हूँ बाहर ना उसके, और ये तो कुछ ज़्यादा ही दूर थी भाई। चलो आखिरकार ये अपने आप ही यहाँ पे वापस आ गई, नहीं तो मुझे तो और टाइम लगता है इसको ढूंढने में। एक काम करते हैं यहाँ से कहाँ जा रहे हो, यहाँ से तो निकल नहीं पाएगी, बेशक थोड़ा सा गैप है यहाँ पे क्योंकि फेंस अच्छे से लग नहीं पाई, लेकिन फिर भी यहाँ से निकल नहीं पाएगी। मेरे पास खाना नहीं पड़ा ना इसके लिए, लेकिन कोई नहीं चेस्ट में पड़ा होगा, मेरे पास काफ़ी सारी हे थी, काफ़ी सारी हे पड़ी अपने पास में, इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ ठीक है, और चल के इसको खिला देते हैं ताकि बेचारी ना ये भूख से मर ना जाए। अपनी हे को निकालते हैं, सबसे पहले अपने हाथ में रखते हैं, उसके बाद मैं इसको खिला देता हूँ, और एक सेकंड इसका पेट पहले से भरा हुआ, चलो कोई नहीं एक आध खिला ही देते हैं इसको ठीक है। दो मैंने किसको खिला दिए, दो तीन, और अब बहुत है इसको। एक काम करते हैं मैं अब ना अभी जो बाकी के एनिमल्स हैं ना उनको लेके आता हूँ, लेकिन पानी भरना मैं भूल ही गया था यार, सबसे पहले पानी तो मैं भर जाके भर दूँ उसमें, नहीं तो ये खाली खाना खाती रहेगी और बेचारी प्यास से ही मर जाएगी। अभी चल के ना पहले उसमें फीडर्स में पहले मैं पानी भर देता हूँ, तो उसके बाद हम जो अपने बाकी के एनिमल्स हैं उनको लेके आएंगे ठीक है। इसमें ना पहले मैं भर देता हूँ, कितने इसमें 20 आएगा, मैंने 10 ठीक है, मैंने 10 तो भर दिया, लेकिन एक कैन मुझे और भर के लाना पड़ेगा, लेकिन एक कैन इसके लिए बहुत है भाई, कितना पीजिएगी ये। अभी बाकी एनिमल्स को लेके आते हैं ठीक है, उसके बाद हम जो दोनों ये है ना वाटर वाले उन दोनों को भर देंगे। इसको मैं अंदर ही रख देता हूँ, बाहर बारिश हो रही है, बाहर नहीं जाना, बाहर बीमार पड़ जाएगी ना तो दिक्कत हो सकती है अपने लिए। चलो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी दो मुर्गियाँ और एक जो रूस्टर है ना उसको लेके आते हैं। तो अपनी मुर्गियों को मैंने जाके अपने बान हाउस में रख दिया है, और आखिरकार अब यहाँ से हम निकलते हैं ठीक है भाई। बार बार मैं यहीं आ ही जा रहा था, वापस जा ही जा रहा था, यहाँ वापस आ रहा था, वापस जा रहा था, लेकिन चलो अब एक सेकंड यहाँ पे एक बर्ड मर रखा है। एक काम करता हूँ इसका, वो भाई भाई साहब बिल्कुल साइड में से गई है मेरी कार। एक काम करते हैं इस मीट को मैं फटाफट उठा लेता हूँ,
और अभी चलते हैं सीधा यहाँ से यूसुफ के पास में, ठीक है, उससे चल के ना अब हमें सीड्स खरीदना है क्योंकि अपने पास सीड्स बिल्कुल खत्म है और अपनी जो खेती बाड़ी है वो भाई उसका काम रुक चुका है, वहाँ पे एक भी सीड नहीं लगा। तो अभी चलते हैं फटाफट से, यूसुफ की दुकान खुली होगी ना, आज कौन सा डे है, आज थर्सडे है तो आज तो खुली होती है उसकी। हाँ देखो ये बैठा तो है ना, तो अभी चलते हैं और फटाफट से इससे हम कुछ सीड्स खरीदते हैं, ठीक है। ओके हेलो हेलो हेलो, ओके ये सब तो ठीक है, सीधा कैट लो। ओ भाई इसके पास नए सीड्स आ गए, कॉर्न सीड्स, ग्रीन लेटस, और ये देखो ये कितने के हैं, ये क्या है, ओबरजाइन भाई, ये कौन से सीड है, तो बैंगन है, ये तो ब्रिंजल लिखना चाहिए था भाई, ये अलग ही सीड का नाम दे दिया। चलो एक काम करता हूँ मैं ना, इनके ना 20-20 खरीद लेता हूँ, ठीक है, कॉर्न के 20 खरीद लेते हैं, उसके बाद इसके मैं 20 ही कर लेता हूँ पूरे, और बाकी जो ग्रीन लेटस खरीदने की ज़रूरत नहीं उसको रहने देते हैं, ठीक है। बस हम भाई जो कॉर्न है और जो बैंगन है हम सिर्फ उसी को लगाएंगे, और एक काम करता हूँ मैं फर्टिलाइज़र भी ले लेता हूँ, या फिर नहीं फर्टिलाइज़र कह रहा हूँ मैं, खाने के लिए कुछ है क्या इसके पास, यार खाने के लिए कुछ नया लाया क्या ये, नहीं खाना तो वही पुराना है भाई, खाली वो जो सीड्स है ना बस वो नए हैं इसके पास में, बाकी सब तो चीज़ें इसके पास पुरानी पड़ी है। एक काम करता हूँ, बैकपैक फुली हो चुकी है, कुछ खरीद भी नहीं सकता मैं, अब बैकपैक मुझे थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, तो चलो अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। और अपने पास कितने पैसे बचे भाई, सिर्फ 18,654, भाई काफ़ी कम पैसे हो गए यार, मुझे ना अभी पैसे इकट्ठे करने पड़ेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि फार्मिंग करने में टाइम लगता है ना, तो इसलिए भाई उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद ही अपने पास थोड़ा अच्छा खासा पैसा हो पाएगा, तभी जाके हम काउस को भी ला पाएंगे। चलो कोई नहीं, अब ये काम करते हैं, अभी चलते हैं यहाँ से अपने रेंच में, और जो हमने सीड्स खरीदे हैं ठीक है उनको सो कर देते हैं, और जैसे ही वो रेडी हो जाएंगे तो उनको हार्वेस्ट करके हम जाके मार्केट में बेच देंगे। तो अभी वापस मैं अपने रेंच में आ चुका हूँ, अपनी साइकिल को यहीं पे खड़ा कर देते हैं, ठीक है, और जो हम सीड्स लेके आए हैं उनको सो कर देते हैं। भाई 2-3 दिनों से ना पानी का बिल ऐसे ही जाई जा रहा है मेरा, फालतू में हम कुछ कर भी नहीं रहे थे क्योंकि क्रॉप्स तो लगी नहीं थी, लेकिन भाई पानी का बिल तो कटेगा ही, इसलिए भाई उसका बिल तो कट ही जा रहा था, लेकिन चलो अब ठीक है, अब तो कटेगा ना, तो थोड़ा अपना काम भी तो हो रहा है ना भाई, अपने जो सीड्स हैं वो भी तो अब ग्रो होंगे, इसलिए अब कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। बाकी इस पूरे में ना देखो, इस पूरे में एक दो प्लॉट में हम जो अपने ये हैं बैंगन वो लगाएंगे, उसके बाद जो अपने दो प्लॉट हैं उनमें लगाएंगे हम कॉर्न। तो यहाँ पे तो मैंने लगा दिए हैं ये वाले, मैंने क्या लगाया अभी, बैंगन लगाए या फिर कॉर्न लगाए, इधर मैंने दूसरे लगाए हैं, एक काम करता हूँ मैं दूसरे निकाल लेता हूँ, अब ये वाले, ठीक है, अब लगाएंगे हम यहाँ पे बैंगन। तो फटाफट से अभी इनको मैं लगा देता हूँ, और उसके बाद ना हम चल के अभी थोड़ा सा काम हम और करेंगे, अभी यहाँ पे एक यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ठीक है। फिर मैं सोच रहा हूँ भाई आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, आज के लिए भाई इतना काम बहुत है, हमने कुछ ज़्यादा काम कर लिया, ठीक है, बार हाउस बना लिया, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें हमने और भी कर ली, उसके बाद बाकी की चीज़ें ना वो हम अगली बार करेंगे। यहाँ पे सीड्स को तो मैंने सो कर दिया, ठीक है, थोड़े बहुत सीड्स अपने पास बच चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, उनको हम बाद में कर देंगे। मेरे पास थोड़े फर्टिलाइज़र पड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ इनको भी यहाँ पे डाल ही देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं है, सब में तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ कुछ 8 ही पड़े हैं, कोई बात नहीं, एक पूरा जो प्लॉट है ना वो तो चलो कंप्लीट हो जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनको भी हमने कर दिया है कंप्लीट, बाकी और मेरे पास तो है नहीं है भाई, मेरे पास अनियन, हाँ ये अनियन सीड मैंने खरीदे नहीं भाई, ये ना वो जो गार्बेज है ना, ठीक है, उसमें से मिला था मुझे, उसमें से भी ना मैं थोड़ा सामान मिल जाता है, तो इसने पानी नहीं पिया भाई, पानी मैंने पानी डाला तो सारा ख़त्म हो गया क्या इतनी जल्दी, वेट भाई मुझे फटाफट जाकर भाई पानी डालना पड़ेगा यार, मुझे लगा इतना सारा पानी पी नहीं पाएंगे, लेकिन भाई पानी तो लग रहा है कुछ ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर दिया इन्होंने। चलो अब ये काम करते हैं, ऐसे तो नहीं पिला सकता ना मैं इनको, नहीं ऐसे कैसे पियेंगे, ऐसे कैसे पियेंगे भाई ये, इनको भाई मुझे इनका जो वो है ना पानी वाली जगह उसमें डालना, भाई कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं भागते सब, लेकिन वो तो अच्छा मैंने भाई बाउंड्री लगा रखी है साइड साइड में, नहीं तो अभी ना इनको पकड़ के ना यहाँ पे लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इनके लिए ना एक चीज़ मुझे खरीदना है, वो जो GPS ट्रैकर होता है ना मैं वो खरीद लूँगा, तो ये कहीं भी चल जाए ना फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी तो पड़ा है, देखो मैंने पानी भर रखा है भाई, देखो मैंने पूरा पानी भर रखा है, लेकिन फिर भी पानी क्यों नहीं पी रही है, कहाँ भाग रही है, पानी खाना पूरा मैंने भर रखा है, खाना तो ही खा रहे हैं लेकिन पानी नहीं पी रहे, देखो इसने भी पानी नहीं पिया, क्यों भाई ऐसा क्या है, पानी पीना चाहिए भाई इनको, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो सकती है भाई। और अभी तक मुझे एक भी अंडा नहीं मिला भाई इनसे, पता नहीं ये अंडे कब देंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है इनको लाए हुए, लेकिन पता नहीं अंडे कब, इसने खाना नहीं खाया भाई साहब, एक सेकंड, ये खाना क्यों नहीं खा रहे भाई, इतना भरा पड़ा है खाना, मैंने सारे फ्यूटर्स भर रखे हैं फिर भी नहीं खा रही है। चलो मैंने इसको खाना तो खिला दिया, बट पता नहीं मुझे कितना वेट करना पड़ेगा, इनसे फिर मुझे जाके एग्स मिलेंगे।
तो ठीक है गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट से जाके फॉलो कर लो। और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।